अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। कल गोल्ड ने तकरीबन 1780 तक के लोस बनाए थे, उसके बाद 1807 1880 के आसपास के हाईस बनाए थे। अगर कल आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने आपको सपोर्ट दिया था $1780 का। बिल्कुल करेक्ट, रिस्पेक्ट किया है हमारे सपोर्ट को गोल्ड ने कल, और ज़्यादा कुछ नीचे गया भी नहीं। अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो रेजिस्टेंस भी पता होगा, 1798 का रेजिस्टेंस दिया था। 1798 के ऊपर तकरीबन 1809 तक चला गया था। अभी फिलहाल $1803 के आसपास गोल्ड चल रहा है। कल यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स भी थे, जिसके बाद गोल्ड में एक तेजी आई। क्यों तेजी आई थी डिस्पाइट कूलिंग नंबर्स, वो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पे और ट्विटर पे बता दिया है, आप चेक कर सकते हैं। कल गोल्ड बाई था हमारा, मैंने अपने पेड सब्सक्राइबर्स को बाई सिग्नल दिया था। $1798 पे बाई था, $1808 पे हमने प्रॉफिट बुक किया। ऑलमोस्ट $1000 के आसपास का एक लॉट में प्रॉफिट बुक किया है। अभी फिलहाल $1802 $1803 के आसपास गोल्ड चल रहा है। आज का गोल्ड का सपोर्ट है $1795। $1795 ब्रेक होता है और सस्टेन होता है तो ही गोल्ड वीक होगा, अदरवाइज गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। आज का रेजिस्टेंस है $1810 का। 1810 के ऊपर 1820 और 30 जा सकता है। अगर आज का सपोर्ट 1795 ब्रेक होता है और उसके नीचे सस्टेन होता है तो वापस से 1780 की तरफ जा सकता है। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। एक बात और, गोल्ड अभी पॉजिटिव जोन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब 100 साल तक वो पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। उसका सपोर्ट दिया गया है 1795 का, उसके नीचे सस्टेन करेगा तो ऑटोमेटिक एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि उसके नीचे वीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सुबह को पॉजिटिव हो वो शाम तक पॉजिटिव ही रहेगी, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो नेगेटिव है शाम तक नेगेटिव ही रहेगा। प्लीज़ जो मैं वीडियो में बोलता हूँ तो उसको पूरा गौर से सुना करें। मैंने बोला है अवॉइड सेल, बट साथ में ये भी बोला है कि 1795 के नीचे मार्केट वीक हो जाएगा, तो उसका ऑटोमेटिक लॉजिक बन जाएगा कि 1795 के नीचे बाई नहीं कर सकते। तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को शांति, एक कूल दिमाग से सुनेंगे, दो तीन बार आप सुन लेंगे, देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को बिल्कुल, लेवल्स ज़रूरी नहीं है कि शाम तक लेवल्स जो है चेंज ही नहीं होंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा जब आप कमेंट कर रहे हो। एक बार वीडियो को दो बार देख लीजिए, उसके बाद कमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स आई विल रिप्लाई। बिकॉज क्या होता है कि मैंने कल बोला था कि सेलिंग अवॉइड कीजिएगा, बाय अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कल जब हम वीडियो बना रहे थे तो मार्केट वीक जोन में था, लेकिन उसके साथ साथ 1798 भी दिया था और बताया था इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, 1798 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव हो गया। डेटा की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, डेटा भी जो आया था वो तो आया था, 1798 के ऊपर सिंपल लॉजिक से पॉजिटिव हो गया था। इनफैक्ट मैंने शॉर्ट्स भी अपडेट किया था उसके रिगार्डिंग, आई होप आपने देखा हो। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर में भी एक अच्छी तेजी आई थी, लेकिन तेजी सस्टेन नहीं कर रही है सिल्वर में, अनलाइक गोल्ड। गोल्ड एक काफी सस्टेन किया था ऊपर, तभी हमने बाइंग दिया था। सिल्वर में भी कल बाई था, लेकिन कल हम कॉस्ट पे ही एग्जिट कर लिया था। आई थिंक 82-83 पे बाई दिया था, 82-83 पे एग्जिट कर लिया था, होल्ड नहीं किया सिल्वर में कल हमने। थोड़ा सा एक सस्टेन नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से गोल्ड सस्टेन कर रहा है, इसलिए रिस्क को मैनेज करके, ओवरनाइट रिस्क को अवॉइड करके हमने इसमें से एग्जिट किया था। अभी फिलहाल 2377 के आसपास चल रहा है। आज का सपोर्ट है $23.50 का। 2350 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो सिल्वर 2320 तक जा सकती है। आज का रेजिस्टेंस है $24 का, $24 के ऊपर 2430 और 2450 तक जा सकती है। सिल्वर का ट्रेंड फिलहाल फ्लैट है, कोई क्लियर ट्रेंड नज़र आ नहीं रहा है, तो ख्याल रखिएगा सिल्वर में, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अब आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे।
यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। कल ऑलमोस्ट $70 का लूज बनाने के बाद अभी $71 के आसपास चल रहा है, अभी भी पॉजिटिव जोन में ही बना हुआ है क्रूड ऑयल। आज का सपोर्ट है $70 का, $70 ब्रेक होता है और सस्टेन होता है तभी वीक होगा, अदरवाइज क्रूड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस है 71.50 का, 71.50 के ऊपर $73 और $74 तक जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव है तो सेल अवॉइड कीजिएगा। अब देख लेते हैं यूरो को। यह है यूरो का चार्ट। कल एक इसके अंदर अच्छा बाउंस तो आया, ऑलमोस्ट 18.45 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद एक सेलिंग भी शुरू हो गई है। डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी आई है जिसकी वजह से यूरो में दबाव है। आज का सपोर्ट है 1795 का, 1795 ब्रेक होता है और सस्टेन होता है तो यूरो वीक जोन में चला जाएगा। रेजिस्टेंस है 1850 का, 1850 के ऊपर कुछ अच्छी तेजी शुरू होगी यूरो के अंदर, 1880 और 1900 तक की। फिलहाल यूरो पॉजिटिव जोन में है तो सेल अवॉइड कीजिएगा। अब आ जाते हैं पाउंड पे। कल पाउंड ऑलमोस्ट 3900 तक चला गया था, इनफैक्ट 3910 का हाई बनाया है, उसके बाद एक सेलिंग शुरू हुई और ऑलमोस्ट 100 पिप से भी ज़्यादा की सेलिंग आ चुकी है। डॉलर इंडेक्स में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आई जिसका असर पाउंड पे दिख रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 3840 का, 3840 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो पाउंड वापस से पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। इसके ऊपर 3880 और 3900 तक जा सकता है। सपोर्ट है 3780 का, 3780 के नीचे 3750 और 3720 तक जा सकता है। फिलहाल पाउंड वीक जोन में है तो बाय अवॉइड कीजिएगा। MCX अभी खुला नहीं है तो लेवल्स उसके 11 बजे आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। MCX के लेवल 5 बजे रिवाइज होंगे, जो ज्वाइन का बटन दबा के आप देख पाओगे कम्युनिटी पोस्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो ही आपसे कोई मेरा वीडियो मिस नहीं होगा। पेड सर्विस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मिलूंगा कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।